हिंदू सिख भाईचारे की सांझी वालता का प्रतीक मेला नौवीं दसवीं होया शुरू जिथे एक पासे धर्म के नाम से वंडियां पाउण दीआं कोशिशां कीतीआं जा रहीआं हन उत्थे ही सांझी वालता का प्रतीक बटाला के नजदीक इतिहासक अस्थान है अचल साहिब। इस कस्बे विच इतिहासक अस्थान अचलेश्वर धाम और श्री गुरु नानक देव जी की चरण शोभ प्राप्त गुरुद्वारा श्री अचल साहिब भी मौजूद है जिथे हर साल नौवीं और दसवीं का जोड़ मेला लगता है जो सांझे तौर पर दोवां धर्मां वालों सांझी वालता नाल मनाया जाता है। इस अस्थान नूं लै के मानता है कि भगवान शंकर जी के वड्डे सपुत्र कार्तिक स्वामी जी का यह अस्थान है। दूसरे पासे इतिहासक गुरुद्वारा अचल साहिब है जिथे गुरु नानक देव जी ने सिद्धा नाल गोष्ठी की थी सी। इत्थे दिवाली तो 8 दिन बाद नौवीं अते दसवीं का इतिहासक दो रोजा जोड़ मेला लगता है जिथे लखां दी तादाद विच संगतां सांझे पवित्र सरोवर विच इशनान करदियां हन अते नतमस्तक हुंदियां हन। लखां संगतां इत्थे नतमस्तक हुंदियां ने ते सालां तो इह इतिहासक मेला लगदा आ रिहा है। मंदिर अलेश्वर धाम कार्तिक स्वामी जी की याद विच सुशोभित है अते इस अस्थान नूं भगवान शिव भोले शंकर अते तेती कोटे देवी देवत्यां दे वर प्राप्त हन अते गुरुद्वारा श्री अचल साहिब अस्थान नूं श्री गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद प्राप्त है। इस जगह ते ही श्री गुरु नानक देव जी ने सिद्धा नाल सिद्ध गोष्ठी कीती सी। जय शंकर जय महाराज। महाराज भोले शंकर जी ने जो अपने दोनों पुत्रां नूं बुला के कहा कि जिहड़ा पृथ्वी की पहले प्रदक्षिणा करके आएगा उन्हें राजगद्दी मिलेगी। कार्तिक महाराज मोर की सवारी करते ही मोर से चल पे। गणपति जी चूहे की सवारी करते थे, उन्होंने पता था मैं हार जावांगा तो वो बुद्धिवान से उन्होंने अपने माता पिता की प्रदक्षिणा करके कहा था कि मैं पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर रहा हूँ। महाराज भोले शंकर जी ने पूछा कि मैं तो पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने लिए क्या सीगा, तुसीं तो साडी परिक्रमा कीती है। गणपति जी कहते कि मेरे लिए पृथ्वी की प्रदक्षिणा करना तो तुहाडी प्रदक्षिणा करना एक ही गल है, एक ही समान है, क्योंकि पृथ्वी के रचयिता तुसीं हो। महाराज भोले शंकर जी इस गल तो खुश हो गए तो उन्होंने राजगद्दी दे दी। कार्तिक महाराज इसी जगह पर पहुंचे थे, नारद जी ने आके दसिया कि राजगद्दी जिहड़ी है वो तो गणपति जी को मिल गई है। कार्तिक महाराज इस गल तो रुष्ट हो गए कि मेरे नाल धोखा होया, प्रतिस्पर्धा पृथ्वी की प्रदक्षिणा करन दी सी ना कि माता पिता की प्रदक्षिणा करन दी। कार्तिक महाराज ने कहा कि मेरा संदेशा कैलाश जाके दे दो कि मैं अज तो बाद कैलाश वापस नहीं आवांगा, मैं इतने ही चल हो के रहांगा। नारद जी ने जाके भोले शंकर जी ने दसिया कि कार्तिक महाराज रुष हो गए, अचल हो के बैठ गए ने। भोले शंकर जी 33 कोटी देवी देवता नाल लैके इतने पधारे उन्होंने मनाने वास्ते, पर कार्तिक महाराज जी नहीं मने। उन्होंने कहा कि मैं इतने ही रहांगा। महाराज भोले शंकर जी कहते ठीक है जी, तुम इतने रहना चाहते हो तो इतने ही रहो, अज तो बाद किसी को चल के नहीं जाओगे, सारे थानू चल के मिलने लिए आया करेंगे। दिवाली तो 8 दिन बाद इतने नौवीं दसवीं तक मेला लगेगा जिस में हर साल 33 कोटी देवी देवता इतने पधारेंगे तुम्हें मिलने वास्ते। अज का उही दिहाड़ा है, नौवीं का दिन है, अज कार्तिक महाराज को मिलने वास्ते 33 कोटी देवी देवता इतने पधारेंगे। जय शंकर जय महाराज। इतने मैनेजमेंट कमेटी है जी, वो पूरा प्रशासन देखती है, बाकी प्रशासन पूरी तरह मदद करता है। इतों के लोग भी बहुत मदद करते हैं, बटाले शहर के सेवादार ने, वो दिन रात एक करके लगे हुए हैं। एक महीना पहले तैयारियां शुरू हो जाएं ने, सारिया तैयारियां मुकम्मल हो जाएं ने मेले तो पहले, बहुत वधिया तरीके। प्रशासन का बड़ा साथ है सानू। अज वैसे मैं अचलेश्वर मंदिर कारसेवा ट्रस्ट वालों सारे देशवासियों, पंजाब वासियों, शहर वासियों नौवीं दसवीं के शुभ अवसर से बधाई देने मंदिर ट्रस्ट वालों। और प्रशासन की जो गल करिए तो मेरा ख्याल असी सैटिस्फाइड हैं प्रशासन वालों। पुलिस का इंतजाम थोड़ा जहा ढिला, उन्होंने यही रिक्वेस्ट की है भी इन टाइट करो सानू, क्योंकि सिक्योरिटी वाइज बड़ी तंगी आ रही है। वो भी मेरा ख्याल है कल भी मेला, परसों भी मेला, चंद घंटे हो जाएगा। असी फिर बेनती करना चाहते थोड़े राही SSP बटाला भी थोड़ा ख्याल किया जाए। बहुत दूरों दूरों लोग चल के आए हैं इस मेले से, इस नौवीं दसवीं के मेले से। तुहानू सारे संसार नूं ही पता, सारी दुनिया नूं पता है कि 33 कोटी देवता जिहड़े आ इत्थे भगवान कार्तिक स्वामी नूं मनाउण वास्ते आए सन। और प्रथम पातशाही गुरु नानक देव जी महाराज की सिद्ध गोष्ठी भी इस स्थान हुई। और हिंदुओं और सिखों का यह सांझा मेला और पवित्र सरोवर च लोग इनान कर रहे हैं और अपनिया मनोकामना पूरिया करने वास्ते लोग देशों विदेशों तो इत्थे आ रहे। बड़ी खुशी की गल है जी, हर साल बड़ी धूमधाम नाल नौवीं दसवीं का मेला मनाया जाता। और इस जगह तो मैं कह सकता इस दरबार तो एक वो मैसेज आता है देशों विदेशों के विच, ये मंदिर ते गुरुद्वारे का सरोवर सांझा है और ये सांझता का भाईचारे का संदेश है। सो कार्तिक स्वामी जी
शंकर भगवान जी का आशीर्वाद उन्होंने मिलिया से भी जिथे भी बहोगे दुनिया उत्थे तुहानू नतमस्तक होना आऊगी और लोग लखां दी तादार च आउंदे ने और अपनियां मनोकामनावां पूरियां करा के जांदे ने। सो मैं शहर वासियां नूं देशां विदेशां दे विच सारयां नूं नौवीं दसवीं दियां बहुत बहुत मुबारकबाद दिंदा जी मेले दियां।